अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान शफी है, रोल नंबर 288। मेरा नाम दलहाक है, रोल नंबर 284। हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम रेन वाटर अलार्म है और हम ये मैम इकर फरद को सबमिट कर रहे हैं। जो कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं सर्किट में, वो हमारे पास एक वेरोबोट है जिसपे हम पूरा सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं। देन हमारे पास वाटर सेंसर है जो वाटर सेंस करेगा, और हमारे पास दो रजिस्टर्स यूज़ किए हैं और दो हमने ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए बीजेडी, जिनको हमने NPN में जोड़ा हुआ है। देन हमारे पास बजर है जिसके जो बताया गया कि वाटर सेंस हो, जब वाटर सेंस होगा तो बजर बजेगा। उसके बाद हमने एक 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है और हमने साथ प्रॉब यूज़ की है कनेक्टिंग के लिए, कनेक्टिंग वायर प्रॉब यूज़ की है। मैं आपको इसकी वर्किंग के बारे में बताता हूँ कि क्या नाम है, रेन अलार्म किस तरह काम करता है। जब आप इसके ऊपर पानी का वाटर ड्रॉप करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा, ओपन वैसे ही सिग्नल ट्रांसफर करेगा इस फर्स्ट ट्रांजिस्टर की तरफ। जब ये सिग्नल इसके बेस पे आएंगे ट्रांजिस्टर 1 पे, तो आपका ट्रांजिस्टर की ऑन हो जाएगा। जब आपका ट्रांजिस्टर की ऑन हो जाएगा, इसका ये एमिटर और कलेक्टर आपस में क्लोज हो जाएंगे। क्लोज की वजह से आपका ये कलेक्टर सिग्नल ट्रांसफर करेगा सेकंड ट्रांजिस्टर के बेस की तरफ। जब ये सेकंड ट्रांजिस्टर आपका ऑन हो जाएगा, जब आपका ट्रांजिस्टर की ऑन होगा तो आपका एमिटर और बेस क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका सिग्नल ट्रांसफर होगा इस बजर की तरफ। बजर पे आएगा तो आपका ये बजर चलना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको ये सेंस करेगा कि आपका पानी इस सेंसर के ऊपर सेंस हो चुका है। अब मैं आपको इसकी ना प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि किस तरह काम करते हैं। ये शावर हम इस पर करेंगे और देखेंगे कि बजर बचता कि नहीं बचता। ये हमारा सेंसर है, देखिए बजर बचा है। ये सेंसर के ऊपर पानी फेंका है तो हमारा ये बजर चलना स्टार्ट हो गया।